coloring great. So today I'm going to share with you guys another Saraswati Puja makeup look. So if you want to know how I created this look, then please keep on watching and make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon. Now without further ado, let's get started. तो सबसे पहले हमें स्किन को प्रिपेयर करना है, इसलिए मैं VLCC का रोज़ वाटर टोनर ले रही हूँ एंड अडेप्टेप करके अपनी फेस पर अप्लाई कर लूँगी। अब मैं PSC का मॉइस्चर लोशन ले रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइज़र। अब मैं इसे अप्लाई कर लूँगी एंड अगर आप दिन में बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसके बाद एक सनस्क्रीन यूज़ करो। पहले मैं आई मेकअप करूँगी आज। इसके लिए मैंने एक सेलोटेप लिया है एंड इसे मेरे लैश लाइन के थोड़ा सा नीचे से आईब्रो के कॉर्नर तक प्लेस कर रही हूँ, यू नो, टू गेट द शार्प एजी लुक। अब मैं लॉरियल पेरिस की ब्राउ आर्टिस्ट जीनियस किट ले रही हूँ एंड द शेड इज़ मीडियम टू डार्क। इससे आईब्रो पाउडर को लेके मैं आईब्रो को डिफाइन कर लूँगी। आईब्रो को डिफाइन करने के बाद यू नो पूरा फेस ही चेंज हो जाता है, तो आईब्रो को ज़रूर डिफाइन करें अच्छे से। अब एक स्पूली को लेके मेरे आईब्रो को कॉम कर लूँगी ताकि आईब्रो पाउडर हर जगह सिमलेसली फैल जाए। आई शेडो की बेस तैयार करूँगी फर्स्ट, तो इसलिए मैं स्विस ब्यूटी की कंसीलर ले रही हूँ इन द शेड 04 मीडियम बेज। इसे लेके मैंने आईलिड को कंसील कर रही हूँ एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैप टैप करके ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं शुगर की बनाना लूज पाउडर ले रही हूँ एंड इससे मेरी आई बेस को सेट कर लूँगी ताकि आई शेडो अच्छे से ब्लेंड हो एंड पैची ना हो। एंड आप मेरे दोनों आईज में यू नो डिफरेंस देख सकते हो। अब मैं मेलिया को ये चिक्स एंड आइस पैलेट ले रही हूँ एंड ब्राउन एंड न्यूट कलर, इन दोनों कलर को मिक्स करके मेरे क्रीज पे एज अ ट्रांजिशन शेड इसे अप्लाई कर रही हूँ। क्रीज को अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। सेम पैलेट से अब ये न्यूट कलर को लेके मेरे आईलिड पूरे आईलिड पे अच्छे से प्लेस कर लूँगी। अब ये बर्नट ऑरेंज शेड को लेके मेरे आईज के आउटर कॉर्नर पे जैसे लाइनर से हम विंग ड्रॉ करते हैं, वैसे आई शेडो से एक विंग ड्रॉ कर रही हूँ एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। अब मैं सेम पैलेट से ये ब्राउन शेड को ले रही हूँ एंड मैंने जो बर्न ऑरेंज शेड से जो विंग ड्रॉ किया है उसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर रही हूँ एंड अब ये डार्क ब्राउन शेड को लेके भी थोड़ा सा और विंग को इंटेंसिफाई कर रही हूँ ताकि यू नो डार्क दिखे। एंड मैंने आउटर कॉर्नर पे ट्रांजिशन शेड एंड विंग के बीच में एक वी शेप फॉलो किया है। अब मैं मेबेलिन निविया की ये जेल लाइनर ले रही हूँ एंड इसको एक एंगल ब्रश में लेके मेरे आउटर कॉर्नर पे एक लैश लाइन के बहुत क्लोज एक विंग ड्रॉ कर रही हूँ स्मॉल सा। मैंने वीडियो पे जैसे किया है ना बिल्कुल वैसा करना है आपको। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। अब मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैंने जो जेल लाइनर अप्लाई किया है उसको थोड़ा सा स्मच कर लूँगी। बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है इसलिए जल्दी काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा फिंगर से भी स्मच कर रही हूँ क्योंकि मेरा जेल लाइनर ड्राई हो चुका है। अब मैं ये सेलोटेप को रिमूव कर रही हूँ एंड यू कैन सी मेरा एज कितना ज़्यादा शार्प हुआ है, यू नो लिफ्टेड लग रहा है मेरा आईज़। तो अब ये सेम चीज़ दूसरी आई में करके वापस आती हूँ। अब चलते हैं बेस मेकअप पर। स्किन केयर मैंने पहले ही कर लिया था इसलिए मैं अब प्राइमर अप्लाई करूँगी। प्राइमर के लिए मैं PSC का ऑयल कंट्रोल प्राइमर ले रही हूँ एंड इसे अच्छे से मेरे टी जोन पे अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरे जो पोर्स है वो फिल हो जाए एंड रेसिड्यू है जो हाथ में वो बाकी फेस पे अप्लाई कर लूँगी। अब मैं एले गर्ल प्रो HD कंसीलर ले रही हूँ एंड द शेड इज़ वार्म हनी। इससे मैं एज अ करेक्टर यूज़ करती हूँ, तो मेरे डार्क सर्कल अराउंड माई माउथ जो पिगमेंटेशन है थोड़ा सा नोज़ पे एंड थोड़ा सा मेरे चिक पे भी, तो उसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी एंड एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप करेक्टर को लगाने के बाद लूज़ पाउडर से करेक्टर को थोड़ा सा सेट कर लेना। अब है फाउंडेशन की बारी। फाउंडेशन के लिए मैं बॉबी ब्राउन का एंड लोटस का दोनों फाउंडेशन मिक्स करके आज यूज़ करूँगी। शेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया होगा एंड डॉट डॉट करके पहले अप्लाई कर लूँगी एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। दोनों ही मीडियम टू फुल कवरेज देता है एंड थोड़ा सा डेमी मैट फिनिश देता है। अब मैं स्विस ब्यूटी की लिक्विड कंसीलर ले रही हूँ द शेड 04 मीडियम बेज। इसे अंडर माई आईज एंड ब्रिज ऑफ माई नोज, टिप ऑफ माई नोज़, क्यूपिड्स बो चिन, फोरहेड एंड जहाँ मैं कंटूर अप्लाई करूँगी उसके नीचे से भी अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा कंटूर ज़्यादा शार्प दिखे।
अब ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन एंड कंसीलर के बीच में कोई भी हार्श लाइन ना रहे, सब कुछ सीमलेसली ब्लेंड हो जाए। अब मैं शुगर की बनाना पाउडर ले रही हूँ एंड इससे मेरे अंडर द आईज एंड अराउंड माय माउथ एंड देन फुल फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही एक अच्छा पाउडर है ये। अब मैं मेलियाओ की पैलेट से ये दोनों कलर को मिक्सड करके एज अ कंटूर अप्लाई कर रही हूँ, आई मीन एज अ ब्रॉन्जर मेरे चीक्स पे एंड देन थोड़ा सा जॉ लाइन पे एंड देन नोज़ पे। आप चाहे तो फोरहेड पे भी ब्रॉन्जर को अप्लाई कर सकते हो। अब मैं शुगर की कंटूर द फोर्स मिनी ब्लश ले रही हूँ इन द शेड 05 कोरल क्लाइमैक्स। इसे एपल ऑफ द चिक से अपवर्ड की तरफ अप्लाई कर लूँगी एंड देन थोड़ा मेरे नोज टिप ऑफ माय नोज पे भी अप्लाई कर लूँगी। अब स्विस ब्यूटी की मेकअप फिक्सर से फुल फेस को सेट कर लूँगी एंड देन स्विस ब्यूटी की ब्रिक हाइलाइटर ले रही हूँ। इसमें से ये शेड को लेके मेरे फेस को जो हाई पॉइंट्स लाइक चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ माई नोज, फोर हेड पे एंड देन टिप ऑफ माई नोज, क्यूपिड्स बो, चिन एंड माई ब्राउ बोन पे भी अप्लाई कर रही हूँ एंड फिंगर की हेल्प से इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर रही हूँ। अब मैं NYB का ये द बिग एप्पल ऑफ माई आई ये काजल को लेके मेरे अपर एंड लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। अब एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैंने अपर लैश लाइन पे जो विंग ड्रॉ किया है उसके साथ मेरे लोअर वाटर लाइन को मर्ज कर दूंगी। अब लैश कलर से लैश को थोड़ा सा कर्ल कर लूंगी। अब मैं माई ग्लैम ट्विस्टेड वॉल्यूमाइजिंग एंड कर्लिंग मस्कारा ले रही हूँ एंड मेरे अपर एंड लोअर लैश को अच्छे से कोट कर लूँगी। एंड गाइस आई एम इन लव विद दिस आई लुक। माई ग्लैम की लिट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड माइक्रो चीटिंग अप्लाई कर रही हूँ। सो हेयर इज माई फाइनल लुक गाइस। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ।